हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आज के एक फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं जीके के 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है, जो आम होता है उसका वनस्पतिक नाम क्या होता है। तो फ्रेंड एक नंबर की क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। मेंजीफेरा इंडिका जो नाम है आम का वनस्पतिक नाम माना जाता है, मतलब नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो नंबर का फ्रेंड। दो नंबर में ये पूछा गया है कि दलहन पौधे संबंधित है, इन चारों में से दलहन जो है किससे संबंधित है। तो फ्रेंड दो नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। लेग्यूमिनोसी जो है दलहन उसी से संबंधित है। ठीक है, सी वाले ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीन नंबर का फ्रेंड। तीन नंबर में ये पूछा गया है कि चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या होता है, जो चाय का पौधा होता है चाय पत्ती उसके वनस्पतिक नाम क्या होते हैं। तो फ्रेंड तीन नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। थियासाइनेंसिस चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार नंबर, मटर पौधा क्या है, मटर पौधा जो है वह क्या है। इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से मटर एक पौधा जो है उसका क्या नाम दिया गया है, किस प्रकार का पौधा होता है। तो फिर चार नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन से सो। मटर एक पौधा जो ऐसा है साग है, इसे साग भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइव नंबर मतलब कि पांचवा क्वेश्चन, लॉन्ग होता है एक। तो दोस्तों पांच नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। लॉन्ग जो होता है शुष्क पुष्प कलिका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छः नंबर का, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, जो फूल गोभी होता है उस पौधे का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो फ्रेंड छः नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। पुष्प क्रम, फूल गोभी का जो पुष्प होता है फूल होता है वही खाया जाता है। ठीक है, वही खाने योग्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर का, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है, पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड सात नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। जड़ों से कॉफ़ी को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठ नंबर का, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है। तो फ्रेंड आठ नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित धान्य है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर का, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, विटामिन सी किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है इन चारों ऑप्शन में से। तो फ्रेंड नौ नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सी है दोस्तों। नींबू में सबसे अच्छा विटामिन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नंबर का, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू जो होता है उसकी पत्तियों में क्या होता है। तो फ्रेंड तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवन नंबर, भारत की प्रमुख धान्य फसल क्या है, भारत की जो सबसे प्रमुख धान्य फसल है वह कौन सी है। तो फ्रेंड 11 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सी है दोस्तों। चावल जो है भारत की प्रमुख धान्य फसल मानी जाती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका 11 क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, दाल जो होती है दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इसमें स्रोत होता है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड 12 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है दाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
13 नंबर में ये पूछा गया है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। कौन ऐसी वनस्पति है, खाद्य है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो फ्रेंड 13 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा बी वाला ऑप्शन से, दोस्तों सोयाबीन में सबसे अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, मतलब कि कौन ऐसा फसल है जिसके सड़ने गलने से मिट्टी को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मात्रा पाए मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड 14 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, मटर से जो है मृदा को नाइट्रोजन भरपूर कर देती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, मतलब कि 15वां क्वेश्चन, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है। दालचीनी जो होती है पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, मतलब कि जड़ से कि तना से, किससे प्राप्त की जाती है। तो फ्रेंड 15 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी वाला ऑप्शन से दोस्तों, छाल से दालचीनी को प्राप्त किया जाता है। जो छाल होता है दालचीनी के पेड़ का, उसको काट काट के प्राप्त किया जाता है दालचीनी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, मतलब कि 16 नंबर का क्वेश्चन, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। जो तारपीन का तेल होता है कहाँ से प्राप्त होता है, किस वस्तु से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड 16 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मतलब कि 17वां क्वेश्चन, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस जो है किस चीज़ से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड 17 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से हो दोस्तों, लाइकेन से लिटमस को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 18 नंबर, मतलब कि 18वां क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे जो होते हैं वो जल का परिवहन किसके द्वारा करते हैं। तो फ्रेंड 18 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन से दोस्तों, जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है, हस्तांतरण होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 19 नंबर, मतलब कि 19वां क्वेश्चन, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। तो फ्रेंड 19 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन से दोस्तों, केसिका जल। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन इस प्रकार से आपका समाप्त हुआ। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। 20 नंबर में क्या पूछा गया है दोस्तों, 20 नंबर में यही पूछा गया है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितना आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड 20 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन से दोस्तों, 16 जो होता है आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है पौधे के वृद्धि के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, यहीं पे 20 क्वेश्चन था, क्वेश्चन का एंड कर दिया मैंने। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉलो करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ और नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।